नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी। ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने एनालाइज़ किया कि यहाँ हमारे पास एक रोम्बस की फॉर्मेशन होती है और रोम्बस की इस फॉर्मेशन को अगर हम समझ के चलते हैं कि मार्केट ने इस चैनल से बाहर जैसे ही मूवमेंट की, मार्केट ने इसको वापस अंदर की तरफ सेलर्स ने पुश कर दिया और ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करता रहा और जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बायर्स इसको पुश करते हैं और एक बार फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगती है और एक डाउन ट्रेंड हमें कन्फर्म होता है और जिसके अंदर हमें इतनी बड़ी मूवमेंट भी कन्फर्म हमें दिखाई देती है और हमें मिलती है। इन द सेम वे दोस्तों, आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया था जिसको आप लोगों ने पूरा करना है और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर पूरा करें। सेम रोम्बस अब दोबारा इस जगह पर बन रहा है, सेम तरीके से जैसा इसने यहाँ इस चैनल से बाहर ब्रेकआउट दिया था, सेम ब्रेकआउट आपको इस चैनल के बाहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पैटर्न्स मार्केट में उभरते हैं आपके और मेरे बाइंग बिहेवियर को देखकर। देखिए, जैसे ही ये मार्केट इससे वापस निकलने की कोशिश करता है, वापस इसको इसी चैनल के अंदर पुश कर दिया जाता है जिससे कि ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करता रहे। तो ये इस चैनल की सपोर्ट और ये इस चैनल की रेजिस्टेंस का काम करती है और ऑप्शन ईटर्स, ऑप्शन की जो प्रीमियम ईटर्स हैं, वो यहाँ बड़े आराम से अपनी पोजिशन बनाकर मार्केट के अंदर इस कंसोलिडेशन को यूज़ करके, इस फेस को यूज़ करते हैं जहाँ पर मेरा ये मानना है कि हैंड्स चेंज होते हैं। जिन्होंने यहाँ सेल किया था उन्होंने यहाँ प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। अब देखो दोस्तों, होता गया जो मुझे लगता है, देखिए ये फिर दोबारा इस चैनल से यहाँ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट के अंदर एक बाइंग, एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ और इसने इसको वापस इधर पुश कर दिया। दोस्तों, ये इसको पुश कर रहा है तो वापस ये इस तरफ यहाँ कहीं जाएगा और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको क्रॉस करने की एक और कोशिश करे। दोस्तों, जब इसे कोशिश करता है एक और क्रॉस करने की तो बिल्कुल सेम तरीके का मैं बिहेवियर को देख के समझूंगा कि इसने इसे बार क्रॉस करने की कोशिश की तो ये इसको वापस पुश कर देते हैं चैनल के आसपास के, वापस इस चैनल के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि सेम तरीके का प्रोसेस हमें यहाँ दिखाई दे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो और ये वापस इसे चैनल के अंदर पुश करने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसे ही इसे वापस चैनल के अंदर पुश करने की कोशिश की जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, सेलर्स ने अच्छा पैसा कमा लिया था तो उन्होंने इसको नीचे की डायरेक्शन में पुश कर दिया। इन द सेम वे यहाँ से जिन लोगों ने बाय की पोजीशंस को जनरेट कराए, इसके यहाँ पहुँचने पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लिया होगा और अब वो एक बड़ा रिस्क उठा सकते हैं क्योंकि कैपिटल प्लस प्रॉफिट उनके पास है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने सेल करके पैसा कमाया था, अब ये दोबारा बायर्स के साथ आ जाएंगे और अपनी साइड चेंज कर लेंगे और ये अब ये जो चैनल का रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है, इस जगह कंसोलिडेट करने के बाद ये बन जाएगा आपका एक सपोर्ट का पोर्शन और मार्केट यहाँ से पुश लेगा और फिर उसके बाद हमें एक बड़ी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मेरा ये एनालिसिस प्योर मैथ्स की एप्लीकेशन है जिसके अंदर मैं मैथ्स को और अपने अपने एक्सपीरियंस को कि किसमें पैटर्न्स जब बनते हैं तो वो पैटर्न्स कैसे रिपीट होते हैं उनको एनालाइज करके पोस्ट करके चल रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आप लोगों का फ़र्ज ये बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर पाओ और आप हमारी वेबसाइट www.gauravsir.in को थोड़ा प्रमोट भी करो, www.gauravsir.in को आप थोड़ा प्रमोट भी करो जिससे कि आप फर्दर ग्रो कर सको और हम आपको ग्रो फर्दर चैनल में अपने साथ अपने व्हाट्सएप में ले भी सकें। तो ये हमारी वेबसाइट है, एक मिनट का वक्त आप इसमें ज़रूर दीजिएगा। जब आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ हमने आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी समझाई हैं। इसके अलावा हमारी ये बुक भी आप लोग जानते हो, ये बुक आपके कितने काम की है। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट।